साथ विजय कुमार झा जी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जागरूक हैं समाज को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के हमते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। विजय कुमार झा जी, जिस तरीके से दिल्ली में सीलिंग का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा बनता चला जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में मैं यही कहूँगा सीलिंग के विषय में कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। अगर यदि व्यापारी वर्ग आवाज़ उठाते हैं तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी करवा रहा है, आम आदमी पार्टी फिर कहती है कि बीजेपी करवा रहा है, लास्ट में तीनों मिलकर कहते हैं कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये सब अवैध हैं, ये पोल्यूशन करते हैं, ये साउंड पोल्यूशन करते हैं, इन्हें दिल्ली से निकाल दिया जाए या सीलिंग कर दिया जाए। परंतु मेरा एक मानना है कि मैं ना ही बीजेपी को गलत कह रहा हूँ, ना कांग्रेस को गलत कह रहा हूँ, ना आपको गलत कह रहा हूँ, ना आप मैं हाई कोर्ट को गलत कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि आप सीलिंग करें, कर दीजिए, फैक्ट्रियाँ बंद कर दीजिए, पर उन लोगों के विषय में सोचिए जिनका छोटा छोटा सा रोज़गार है, छोटे छोटे कारखाने हैं, जिन लोगों ने कहीं से कर्जा ले करके, कहीं से 10 लाख, कहीं से 5 लाख कर्जा लिया, कर्जा ले करके फैक्ट्रियाँ लगाई, फैक्ट्री लगा के 5 आदमी को रोज़गार दिया, खुद भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रोटियां मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो फ़ायदा, उससे सरकार को भी तो बेनिफिट दे रहे हैं। चलिए वो टैक्स नहीं भरते हैं, कुछ ना कुछ तो टैक्स भरते होंगे, वो भी सरकार को फ़ायदा है। मान लीजिए टैक्स भी नहीं भरते तो कम से कम अपना पेट तो चलाते हैं, सरकार पर बोझ तो नहीं है, तो गलत कहाँ कर रहे हैं, तो उन्हें करने दीजिए। यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो मैं आपको साथ हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ, मैं कोर्ट के साथ हूँ, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल सील कर दीजिए। परंतु जिन लोगों ने पहले कर्जा लेकर के, ब्याज ले पे पैसा लेकर के जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, वो दोबारा फैक्ट्रियाँ कहाँ से लगाएंगी, किन पैसों से लगाएंगे? तो उनके लिए लोन मुहैया करवाइए, उनके लिए धन मुहैया करवाइए, उनके लिए जगह मुहैया करवाइए जहाँ वो दोबारा से व्यापार खड़ा कर सकें, दोबारा से जो है रोज़गार चला सकें। उनको समय दीजिए, महीने का, 2 महीने का 3 महीने का, जिससे वो अपना रोज़गार उस जगह चला सकें, अपनी सेटिंग कर सकें, जिससे अपने बच्चे पाल सकें, किसी के ऊपर बोझ ना बने। अगर यदि आप उनकी सीलिंग कर देते हो, कल रोटी खाने के लिए कर्जदारों से परेशान होकर यदि वो आत्महत्या कर लेते हैं या उससे प्रेरित होकर उनके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तबका तो खत्म होता चला जा रहा है और देश में क्राइम बढ़ता जाएगा। तो इन चीज़ों को रोको, रियलिटी पे जाना चाहिए, आदमी को रोज़गार दो देना चाहिए, उनकी इंडस्ट्री अगर यदि आप हटाते हैं तो दूसरी जगह लगवाइए, उन्हें समय दीजिए जिससे वो दोबारा से सेट हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और आप लोगों को थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार झा जी, जिन्होंने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।